आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रेलवे टीटी की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं लेकर आ चुकी हूँ। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ को वन बाई वन यहाँ कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत, अगेन आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि डायरेक्टली है आपके इंडियन रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ, जिसके लिए बहुत दिन से कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम रेलवे टीटी ईटीसी गुड्स गार्ड की वैकेंसीज कब आएंगी, कब से हम इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूं। आप ऑल इंडिया से यहां अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। कैसे अप्लाई करना है, जॉब पोस्ट कौन कौन सी है, आपका क्या यहाँ काम रहने वाला है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी कैसे इसमें होने वाली है, हर चीज़ को वन बाय वन यहाँ कवर करते जाएंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल होगा हमारी ऑफिशियल साइट को आप सीधा अगर गूगल पे टाइप करें www.clori.com, पहले नंबर पर आपको साइट मिल जाती है। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई आप उसको यहाँ से चेक करके अप्लाई कर सकते हो। चलिए ज़्यादा टाइम ही लेंगे, सीधा बात करेंगे मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका इंडियन रेलवे का है। अलग अलग वैकेंसीज के लिए टीसी, टीटीई, गुड्स गार्ड और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, वन बाय वन यहाँ कवर करेंगे कौन कौन सी पोस्ट आए हैं, ठीक है, पोस्ट वाइज सिलेक्शन कैसे होनी है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा आपको बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखा करें, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। चाहे वैकेंसीज आ गई हैं, चाहे कोई अपकमिंग है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर तो अभी जाके फॉलो करना, वहाँ पर कोई भी शॉर्ट अपडेट होता है, ठीक है, वो मैं आपको वहाँ बता देती हूँ। कोई एकदम से वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देती हूँ शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल बात करें लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, दो लेटेस्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं डिपार्टमेंट की, एक है पोस्ट ऑफिस का, एक है आपका SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये दोनों वीडियोज़ आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकेंड चैनल पर, जिसका नाम है मीत शर्मा चैनल, ठीक है। YouTube में लिखना मीत शर्मा, ये चैनल आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करना, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। तो फिलहाल बात कर रही है रेलवे TTE की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, फी क्या है यहाँ पे, पोस्ट कौन कौन सी है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे हो रही है, कैसे अप्लाई करना है, हर चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है आपका इंडियन रेलवे मतलब RRB की तरफ से है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए ये वैकेंसीज है। आप ऑल इंडिया से अप्लाई करें, मेल फीमेल दोनों ही। जॉब लोकेशन भी आपके नियर बाय ही यहाँ पे आपको मिलने वाली है, सैलरी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है, जहाँ पे अपने आप को आपको रजिस्टर करना है, देन आप लॉग इन करके अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए कुछ रिजर्वेशन भी है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ रिजर्व के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, अप्लाई आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अगर आप अनडिजर्व कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं, अनडिजर्व में मतलब जनरल OBC EWS कैंडिडेट है, आप मेल कैटेगरी से हैं, आपकी जो फ़ी है वो आपकी 500, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें, वो चाहे अनडिजर्व है चाहे रिजर्व कैटेगरी से है, उनकी 250 एप्लीकेशन की फ़ी है। इसी के साथ साथ जो रिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है, SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी जो फीमेल की फ़ी है 250, वही उनके लिए है। आप चाहे अनडिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करो चाहे रिजर्व कैटेगरी से, दोनों कंडीशन में आपको फी वापस हो जाएगी जब आप अपना CBT एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद वापस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें वैकेंसी यहाँ पे 3 से 4 टाइप की है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की, ठीक है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर मतलब TTE की वैकेंसीज है। इसी के साथ है आपकी TC जो कि है आपके टिकट कलेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें
इसी के साथ साथ सीसी की वैकेंसीज है जो कि है आपकी कमर्शियल क्लर्क के लिए, और नेक्स्ट है आपकी जीजी मतलब गुड्स गार्ड की वैकेंसीज। ठीक है, बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कैंडिडेट की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जहाँ पे टीटीई और टीसी की वैकेंसीज आपकी 9500 प्लस है, बाकी जो वैकेंसीज है कमर्शियल क्लर्क की है, इसी के साथ साथ ट्रेन क्लर्क या गुड्स गार्ड की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इसके लिए भी आपकी अलग से वैकेंसीज हैं जो कि आपके 6000 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पे, तो आपकी ये टोटल हो जाती है 16000 के अराउंड। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, आप 10th पास से आप अप्लाई करें, 10th प्लस डिप्लोमा है आप अप्लाई करें, 12th पास की अलग वैकेंसी है, ग्रेजुएट की अलग है, हर कोई आप में से अप्लाई यहाँ कर सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो फीमेल के लिए रहेगा और रिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगा। अब सिलेक्शन का ध्यान से समझो कैसे मिल रही है आपको। पहला जो आपका स्टेप है ना सिलेक्शन का, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी। जब आप अपना ये सीबीटी एग्जाम देते हैं उसके बाद रेलवे की ऑफिशियल साइट पे एक लिंक आपको मिलता है, वहाँ अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, आपको फी रिफंड होती है। ठीक है, बैंक चार्जेस कटने के बाद। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद मेडिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अब एग्जाम पैटर्न का भी ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, अर्थमेटिक के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टेक्निकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के भी इसी तरीके से है, जनरल इंटेलिजेंस के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ठीक है, तो ये पाँच सब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, तो 40 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन आपका यहाँ 1 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 2 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है, ध्यान से आपको अटैम्प्ट करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ध्यान से समझ लो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले देखिए, चाहे आप 10th लेवल वैकेंसीज पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे 12th, चाहे ग्रेजुएट, एक चीज़ आपको पहले कॉमन क्या चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। उसके लिए आपको क्या देना होगा, 10th का सर्टिफिकेट अपना, ठीक है, जीरोक्स कॉपी, आप अगर ओरिजिनल चेकिंग के लिए मांगते हैं आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 मैक्सिमम 32 है, प्लस और रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, PWD अनडिजर्व के लिए 10 साल का है। ठीक है, उसके बाद PWD OBC SC ST सबके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इन नोटिफिकेशन के लिए आप कब से कब तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए हमेशा बोलती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ही करना है, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर कर देना है अभी। ठीक है, इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, जब इसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी मैं उसी वक्त आपके लिए वीडियो ले आऊंगी। मैं तो वीडियो ले आऊंगी, नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा वीडियो का, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी टाइमली अप्लाई कर पाए। हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं। मैंने आपको बताया इंस्टा पे कोई भी अपडेट आता है छोटा से छोटा मैं साथ ही साथ वहां पोस्ट कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मैंने आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद हमारे सेकंड चैनल मीत शर्मा चैनल यूट्यूब में लिखना, आपको पहले नंबर मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करना ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।